सभी भक्तों को जय बद्री विशाल। आज हम बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हैं और जो कल हम रुके थे, हम दिल्ली से निकले थे तो एक दिन में हम बद्री विशाल नहीं पहुंच पाए और हमें करीब जोशीमठ के आसपास रुकना पड़ा। और ये करीब अभी 11 बजे हुआ है और हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल का जो है पेट्रोल पम्प भी मौजूद है, तो अगर फ्यूल की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये इंडियन ऑयल का एक जो है पेट्रोल पंप है यहाँ पे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ों में काफ़ी ऊंचाई पे बर्फ़ पहुँच चुकी है, नीचे की जो भी बर्फ़ थी वो ज़्यादातर पिघल चुकी है और मेल्ट होके वो नदियों में जा चुकी है। तो ऊपर के एरिए में आपको यहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से अब थोड़ा यहाँ पर सर्दी भी कम हो गई है। तो तकरीबन जो आज का तापमान दिखा रहा है वो दिखा रहा है 20-22 के करीब अभी दोपहर में। और ये हम बद्रीनाथ की मार्केट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं केदारनाथ से काफ़ी बेटर हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन में है ये और इसमें डायरेक्ट जो है वो गाड़ियाँ आ सकती हैं। और केदारनाथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ काफ़ी ऊँचाई पर जाना पड़ता है जिसकी वजह से उतनी हमें फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये बड़े बड़े जो है होटल टाइप के ये बने हुए हैं, तो इसके हम किराए की अगर बात करें सो 2,000 से 2,500 का आपको 24 घंटे के लिए रूम दे देते हैं। और इसके थोड़ी आगे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सस्ते ऑप्शन भी मिल जाएंगे जिसमें कि आपको 500 रुपये पर बेड के हिसाब से, जैसे कि आप 4 लोग हैं तो 500-500 रुपये के पर बेड के हिसाब से आप जो है 4 बेड ले सकते हैं। अगर यह आपको कमरा भी लेना है तो करीब 1,500 रुपये से 2,000 रुपये के बीच में 3-4 लोगों का कमरा आपको दे देंगे। तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो अभी हम होटल के लिए निकल चुके हैं, होटल ढूंढने के लिए कि किस जगह में रुकें। ये नर नारायण हमें दिख रहा है गेस्ट हाउस, बट अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि नर नारायण गेस्ट हाउस जो है वो मंदिर से काफ़ी दूर पड़ता है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जो है ये दूर है मंदिर से। तो हम कोई ऐसी जगह जो है ढूंढना चाहते हैं कि जहाँ से हमें मंदिर जो है काफ़ी नज़दीक मिले ताकि हम आराम से वहाँ मंदिर जाएं और वहाँ से जो है वापस आएं। तो अभी हम अलवर भवन के आगे तक पहुँच चुके हैं, तो अलवर भवन के आगे देखते हैं कि अभी हमने किसी से कोई पूछा नहीं है। लोगों का यही कहना है कि मंदिर के जो नज़दीक जो धर्मशालाएँ हैं या छोटे छोटे होटल बने हुए हैं जिसमें रूम फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये और ये हम आ गए हैं अपने रूम पर। ये हमने रूम फाइनल किया जो कि हमें करीब 1700 को पड़ा, जिसमें एक ये सिंगल बेड, एक ये डबल बेड और ये छोटा सा एक मेज और शीशा, और जिसमें कि ये हमें बाथरूम मिला है जिसमें देसी टॉयलेट है। कोई बात नहीं, काम चलाना है एक दिन का तो हम इसमें चलाएंगे। और ये सामने का व्यू जो हमें दिखाई दे रहा है पहाड़ों का, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप अगर कभी भी आएँ तो मैं इस होटल का नंबर आपको डाल दूँगा, जो उनका नाम तो मुझे याद नहीं है बट मैं जो है उनका होटल का नंबर आपको डाल दूँगा। ये मैंने काफ़ी जो है जूम करके फ़ोटो निकाली थी, तो ये सामने बिल्कुल होटल से जस्ट सामने ये पहाड़ दिख रहा था, काफ़ी बेहद जो है सुंदर पहाड़, मनमोहक दृश्य थे इसमें। और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बद्री विशाल के दर्शन है वहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो कभी बहुत सारे मैंने ऐसे भक्तगण भी देखे, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, जो कि ये सोचते हैं कि भगवान शंकर का ही जो है वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, मगर ऐसा नहीं है, वहाँ भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है। तो जब भी आप आएँ तो जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ जो भगवान शंकर का प्रसाद होता है वो अलग होता है और यहाँ का प्रसाद जो है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो यही जो ये आपको रास्ता दिख रहा है यही माणा पास जाएगा। तो हम जो अपनी अगली वीडियो लाएंगे वो माणा पास की लाएंगे, जो कि पहले भारत का आखिरी गाँव हुआ करता था,
अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको भारत का पहला गांव घोषित किया है, जो कि हमारे तिब्बत बॉर्डर से मिलता है, तिब्बत चाइना बॉर्डर जो है उससे मिलता हुआ उधर साइड से ये पहला गांव पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पर होगी, मगर फिलहाल हम अभी जा रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। तो ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बद्री विशाल का जो आसपास का माहौल है सराउंडिंग का वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। आप कभी भी जाएंगे तो वहाँ एक खुलापन महसूस होगा और यहाँ सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको नॉर्मल सांस आएगी, जैसे कि आप प्लेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ के लोगों को ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे यहाँ होती है, वैसे ही आपको वहाँ पर भी मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदरीकरण का काम भी चल रहा है, ये मेरे सामने एक तालाब का निर्माण कराया जा रहा है सरकार के द्वारा बहुत ही, और ये कुछ जो है बाइकर्स निकल गए हमारे बगल से। तो ये सब जो है हेमकुंड साहिब के दर्शन करके, और ये माणा गांव की तरफ भी जाते हैं, बद्री विशाल के भी दर्शन करते हैं। तो ये है, तो ये अभी हम यहाँ पे जो है किसी से हमने पूछा नहीं, और ये दो भाई जो हैं हमारे साथ ये भी मेरे साथ ही आए हैं, तो ये आगे आगे चलते आए और हम जो है बद्री विशाल का मंदिर ही पार कर गए और आगे निकल गए। काफ़ी आगे निकलने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मंदिर जो है वो पीछे ही छूट गया है। तो रियलाइज़ करने के बाद हमने अपने आप को करेक्ट किया और हमने पीछे की तरफ चलना चलना शुरू कर दिया, और ये हम बद्री विशाल की जो है जो मुख्य मंदिर का मार्ग है वहाँ पर आ चुके हैं। तो आप भी देख लीजिए, जब कभी भी आप जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, यही मंदिर का रास्ता है, एक या दो रास्ते हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, मगर वो आप सीधा अगर निकल जाएंगे तो वो माणा पास की तरफ आप निकल जाएंगे। तो ये बद्री विशाल के जो है हम दर्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, और ये रास्ता जो है धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आर्मी वगैरह भी काफ़ी मात्रा में रहती है, एक ये आर्मी पर्सन जो है वो हमारे साथ भी चल दिए थे। तो इनका यहीं पे एक स्टेशन भी, इनका सर्विस एरिया भी है ये, यहाँ पे तप्त कुंड है। तप्त कुंड के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि तप्त कुंड यहाँ पे एक कुंड है, यहाँ का तापमान चाहे जितना रहे मगर तप्त कुंड के जो पानी का तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से आपको ऊपर ही मिलेगा। एक तप्त कुंड, आपको दो तप्त कुंड बनाए गए हैं जिसमें कि एक महिलाओं के लिए एक पुरुषों के लिए। तो महिलाओं वाला जो तप्त कुंड है उसकी मैं वीडियोग्राफी कर नहीं सकता, मैं आपको पुरुष वाला जो तप्त कुंड है उसकी जो है मैं आपको फोटो और वीडियो पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो तप्त कुंड में ये है कि उसका 2-3 बार पानी भी रोज निकाला जाता है, और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं या मंदिर के पुजारी आसपास बैठे रहते हैं साधु बाबा, वो नीचे से उसमें एक कुछ कपड़ा लगा देते हैं और वो खोल देते हैं तो पानी निकल जाता है। इसके बाद वो फिर से बंद किया जाता है, उसके बाद वो जो है पानी भर जाता है और वो काफ़ी गर्म होता है। आप आराम से, मैंने तकरीबन जो है 30 से 35 मिनट वहाँ पे स्नान किया, और ये यहाँ पे जो नदी है वो उसका वेग बहुत तेज है, और यहाँ के नदी के आसपास जो धर्मशालाएं बनाई गई थी उनको सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उस पर कुछ और बनाया जा रहा है, कुछ कॉरिडोर टाइप का बनाया जा रहा है। ये है वो तप्त कुंड, ये महिलाओं वाला तप्त कुंड है और ये पुरुषों वाला, अभी ये भरा जा रहा है तप्त कुंड, ये एक बार इसका पानी निकाला जा चुका है अब ये भरा जा रहा है, और ये जहाँ से गिर रहा है तो ये तकरीबन तकरीबन इसकी जो गर्माहट होगी वो चाय चाय की तरह ही गर्माहट इसकी होती है। तो ये अभी जो है श्रद्धालु ये थोड़ी थोड़ी आने लगे हैं इसके नीचे, अभी ये थोड़ी देर में, ये देखो ये सामने जो वो बाबा हैं वो बंद कर रहे हैं इसको, जो जहाँ से वो पानी का एग्जिट होता है, निकास होता है, उसको जो है वो लॉक कर रहे हैं ताकि जो है इसमें पानी रुकना शुरू हो जाए। तो ये है तप्त कुंड, ये देखो ये तप्त कुंड में ये मैंने नहाया, ये डुबकी लगाई और ये बाहर निकला, और मैंने तकरीबन जो है 40 मिनट तक यहाँ पे नहाया था। और ये भी इसकी मान्यता है कि अगर आपके आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है तो ये स्किन की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है, यानी सही हो जाती है। तो ये बहुत ही गजब तत्व कुंड, मेरा निकलने का मन ही नहीं कर रहा था मगर टाइम कम होने की वजह से मुझे निकलना पड़ा। निकलने के बाद हमने जो है बाहर जाके प्रसाद लिया, और प्रसाद के बाद जो है हम 2 नंबर गेट से ऊपर चले गए। तो ये बद्री विशाल का मंदिर हमारे जस्ट आंखों के सामने है,
बहुत ही खुशी हुई। बहुत लंबी लाइन से जो है हमें होकर आना पड़ा, बहुत करीब 3 से 4 घंटे हमें लग गए। और ये उसी दिन यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम, अगर आपने सुना हो, बाबा बागेश्वर धाम भी आए थे। मैंने क्लिप में पहले वो डाल दिया है, तो वो मेरी क्लिप नहीं है, मेरे दोस्त द्वारा ली गई थी क्लिप। तो उस समय हम यहाँ से चले गए थे, उसके 5-10 मिनट बाद जो है बाबा बागेश्वर का जो है आगमन हुआ। हमें जो है हमारी किस्मत में नहीं थे उनसे मिलना, इसकी वजह से। तो ये हम अंदर वाले बाहरी गेट से जो है अंदर मेन मंदिर जो है मेन मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। और यही है मेन मंदिर भगवान विष्णु का, जिसे हम बद्री विशाल के नाम से जानते हैं। तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये हमने दर्शन कर लिए। अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है ताकि मैं आपको दिखा पाता वहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन लगे होते हैं, वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मना करते हैं। तो ये जो है ये पीछे से जब आप घूम के जाएंगे तो बैक साइड से ये आपको गेट मिलेगा। गेट में जाने के बाद आपका कैमरा जो है वो आपकी जेब में होना चाहिए, नहीं तो वो जो वहाँ के वो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आपको अंदर करा देंगे कैमरा। और ये चारों तरफ का मंदिर के चारों तरफ जो है एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें कि आप इसमें काफ़ी देर बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उसी दिन आए थे, मगर मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि मैं 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले यहाँ से निकल गया था, उसके बाद वो आए थे। तो मेरे दोस्त ने जो है ये वीडियो शूट किया था और ये काफ़ी देर रुके थे। इसके बाद शायद एक दिन ये और वहाँ पे रुके थे, वहाँ पर कथा वगैरह का जो है आयोजन हुआ था। तो आजकल इनकी बहुत ही पॉपुलैरिटी है, पूरे भारत में इनको लोग जानते हैं, भारत में छोड़ो और जबकि विदेशों में भी लोग इन्हें जो है जानते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो ये हैं बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि आए हुए थे। इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि तकरीबन इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है।